नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टिचैट। अपनी ही सरकार में यूपी के बलिया में योगी के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के भाई सतीश चौधरी उर्फ नागा चौधरी ने दी जान से मारने की धमकी। पूरे परिवार का अपहरण कर हत्या करने की दी धमकी। मंत्री की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री के निर्देश और मंत्री उपेंद्र तिवारी के प्रयास से सतीश चौधरी पर सरकारी खदान में घोटाले को लेकर 6,78,00,000 के रिकवरी के आदेश और FIR से बौखलाए सतीश चौधरी। सतीश चौधरी ने फोन पर दी धमकी, ऑडियो वायरल। कहा, हम होंगे बर्बाद तो तुम्हें भी नहीं जीने देंगे उपेंद्र। मंत्री ने कहा, जीते जी लड़ता रहूंगा भ्रष्टाचार से। समाचार डिजाइट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। परसों रात में मैं क्षेत्र में घूम रहा था, तब तक एक सतीश चौधरी नागा है, पूर्व मंत्री जो हमारे प्रतिद्वंदी रहे उनके भाई हैं। अब सतीश चौधरी अंबिका चौधरी के भाई हैं सतीश चौधरी नागा। अभी खदान घोटाले में 6,78,00,000 रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ और मुकदमा कायम करने का आदेश हुआ, जिसमें थाना चितबड़ा गांव में मुकदमा भी कायम है। और जैसा कि आप जानते भी हैं लोग, आज 25-30 सालों से खदान विभाग में जो बलिया जनपद के और बलिया आजमगढ़ मऊ के गरीबों को खाने का अनाज आएगा वो सब इन माफियाओं द्वारा बांग्लादेश चला जाता था। तो जब सपा की सरकार रही थी इनका वर्चस्व था। आज माननीय योगी जी की सरकार आई है, तीन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाए, उनके प्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी। और आज 18-19 साल से मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। खनन, बालू खनन, सेल टैक्स, जितना गोरख धंधा था इसके खिलाफ, तो उसी में 6,78,00,000 की रिकवरी का था। अभी लखनऊ में अंबिका चौधरी जी की पत्नी के नाम से जब राजस्व मंत्री थे तो 13.5 बीघा जमीन सरकार को हमने वापस करा दिया, और लगभग 250 से 300 करोड़ की जमीन थी। अभी फेफना थाने की जमीन उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिस पे यहाँ के प्रशासन ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो माननीय महाराज जी ने गठित किया, तो उसमें यहाँ के प्रशासन गया, तो उसमें हाईकोर्ट गए, दोनों बार रिट खारिज हो गई, चुनाव की वजह से मामला रुका हुआ। तो इस तरीके से जितना ये गलत तरीके इन लोगों ने साम्राज्य स्थापित किया उस पर चोट पड़ रहा है। अब इस वजह से मन में स्वाभाविक है, अब उसी पर गाली दे करके बहुत भद्दी भद्दी गाली देना, जान से मारने की धमकी, पूरे परिवार को नष्ट कर देना, अनाप शनाप जितना हो सकता था उसने दिया। अपहरण परिवार के अपहरण की, मारने की, सबकी हत्या करके ख़त्म कर देने की, कि हम हमारा साम्राज्य था, हम रोड पे आ गए तो हम रोड पे रहेंगे, तुम जिंदा रहोगे, हम मरेंगे तो हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे, जो तुम्हारे राजनीति में पीछे परिवार के लोग प्रश्रय देते हैं सबको मैं उड़ा डालूंगा, जितना कहना था ना सुना। इसको लेकर के हमने शिकायत थाना कोतवाली में दिया है, इस संदर्भ में हमारी बात हुई। क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया सर? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया। क्या आरोपी गिरफ्तारी, आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक? अब देखिए, ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम करेगा। जो हमारा काम था मंत्री होने के नाते, एक समान नागरिक होने के नाते, और मैं मंत्री हूँ, जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को धमकी मिल रही, और तो आप सोच सकते हैं कि जब उनका साम्राज्य रहा होगा, जब सपा की सरकार थी, वो लोग मंत्री थे, तो किस तरीके का तांडव किए होंगे, और उस तांडव के खिलाफ मैं कैसे लड़ता रहा, जिसका नतीजा कि कई कई बार हमारे जान के पीछे पड़े न रहें, कांड पर धरना के दौरान गोली चलाई गई, एक आदमी मेरे साथ का साथी शहीद हो गया। लेकिन दृढ़ संकल्पित हूँ मैं भी कि गलत चीज़ बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, और जब तक भ्रष्टाचार का खात्मा बलिया और पूर्वांचल से खात्मा हम लोग कर रहे हैं, भले जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती है। और इस तरीके के जितने आतताई हैं, जो गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं, उनको कटघरे में खड़ा होना होगा, और कानूनी रूप से उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाएगी, कराएंगे इसके लिए कटिबद्ध। मुख्यमंत्री जी से इस बात को बोलेंगे? बिल्कुल, हमारे अभिभावक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल उनके संज्ञान में। परिवार भयभीत है और बढ़ाने की? अब देखिए, भयभीत करने की क्या बात है, आज 18 साल से लड़ रहा हूँ, जाके राखो साहब या मार सके ना कोई। मैं वहाँ भी थाने के जब गोली कांड हुआ था, आधे घंटे पहले भी मैंने कहा था, और धमकी मिली है। बड़ा साम्राज्य उन लोगों का, मरता क्या नहीं करता, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा की गुहार, आज हम लोग सरकार के मंत्री हैं, पहले भी हम लोग लाभ लगा रखे थे, सपा सरकार में लगाए नहीं मिला, तो है। शिकायत आपने DGP से, आपने इस पूरे मामले में बात की? नहीं, हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हो गई थी कल ही, हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हो गई थी, यहाँ से कप्तान से हुई, प्रमुख सचिव गृह से बात हुई, और उनके संज्ञान में मामला है, जरूरत पड़ेगी DGP से बात हो जाएगी, हमने उचित नहीं समझा, प्रमुख सचिव गृह से हमारी बात हो गई थी।
क्या आश्वासन मिला सर? अरे क्या आश्वासन का अपना, अरे जो भी इस तरीके का जंगल राज थोड़े ना है, माननीय महाराज जी का राज है। आज पुलिस और ये इस तरीके के माफिया गुंडा उत्तर प्रदेश के बाहर है, पता ना कहाँ से ऊपर हुए, कानून की सजा मिलेगी उनको? क्या लगता है कि